है मदारी और नाच करे बंदर। अन्ना को इस संघर्ष को गांव गांव गली गली पहुंचाने वाले सिपाही चाहिए। अन्ना को सेनानियों की सिपाहियों की जरूरत है। जब संविधान सभा बैठी उस समय राजनीतिक पार्टियां थी, ध्यान दें सारी राजनीतिक हिंदू महासभा थी, कांग्रेस पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टियां थी, लेकिन संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच विचार कर संविधान सभा में जो संविधान बनाया और जिसे देश को अर्पण किया, उस संविधान में उन्होंने गणतंत्र की कल्पना की। लोगों के प्रतिनिधि चुने जाएं, लोगों के प्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि नहीं। इसलिए उन्होंने संविधान में राजनीतिक दल शब्द नहीं लिखा, लेकिन 1954 सरकार बनाने के लिए एक इलेक्शन कमीशन का जिक्र उन्होंने किया। इलेक्शन कमीशन को जो काम देने वो भी संविधान में लिखे हैं, दो काम। पहला काम, जो उम्मीदवार खड़े हों और शपथ पत्र भरे उन शपथ पत्र की जांच करना, और दूसरा निष्पक्ष चुनाव कराना, स्वच्छ चुनाव कराना। चुनाव कमीशन ने क्या किया, 1951 में एक रास्ता निकाल दिया और उसमें जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 बनाया। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 में बनाया और उसमें राजनीतिक दलों की कल्पना कर दी। मजा देखिए, संविधान में कहीं पॉलिटिकल पार्टी नहीं, और एक साल के बाद इलेक्शन कमीशन ने राजनीतिक दलों को हिंदुस्तान के लोगों के सर के ऊपर थोप दिया। अब चुनाव में सबसे पहले अपने बेटे बेटी भाई बहन बहू और इन सबसे अगर बात कम पड़ जाए तो फिर अपने ड्राइवरों को नौकरों को टिकट देना पसंद करते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के वर्कर को टिकट देना पसंद नहीं करते। और इतना ही नहीं, इसके बाद कार्यकर्ता की जगह पर वो ढूंढते हैं कौन उनको टिकट के पैसे दे देगा। जो उनको पैसे देता है उसको टिकट देते हैं। जब आपसे जुड़े अपनी सीटों पर नहीं होते, ये इस देश के रखवाले नहीं है, ये इस देश की किस्मत से मजाक करने वाले लोग संसद में बैठे हुए हैं। भाई साहब अन्ना आपको यही बात कहने के लिए आए हैं कि 1951 में जो गलती हुई, 1952 में जो गलती हुई, जिस तरीके से राजनीतिक दलों ने, सारे राजनीतिक दलों ने हिंदुस्तान की जनता की किस्मत को अपने मुट्ठी में कैद कर लिया है, उससे आजाद कराना है। अंग्रेजों से हम आजाद हुए, ठीक है, लेकिन भ्रष्ट राजनेताओं से आजादी, इन्हीं भ्रष्ट राजनीतिक दलों से आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, महंगाई से आजादी, बेरोजगारी से, ये इस दूसरी लड़ाई का मकसद है। ये धोखा इस देश के 120 करोड़ लोगों के साथ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इस संसद में राजनीतिक दल जो आज माफिया के रूप में तब्दील हो चुके हैं, उनके प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, जनता के प्रतिनिधि नहीं बैठे। अगर इस संसद में आम लोगों के प्रतिनिधि होते, किसानों के प्रतिनिधि होते, छात्रों के प्रतिनिधि होते, वो लोग होते जो इस देश का भला चाहते हैं, इसमें महिलाओं के प्रतिनिधि होते, तब फिर जाकर के ये संसद सही फैसला लेती। और वो तरीका अन्ना बताएंगे कि कैसे इस मुल्क को इसी आने वाले साल भर के भीतर, 1.5 साल के भीतर बदल देना है। अगर आज नहीं किया फिर मौका नहीं आएगा। इसीलिए अन्ना कहते हैं करो या मरो। दरवाजे दरवाजे इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने, इस बेईमान संसद में बैठे लोगों ने किस तरह से आम जनता के खिलाफ उनके सारे के सारे बलिदान को व्यर्थ कर दिया, उनके सारे के सारे बलिदान को तबाह कर दिया, इस मुल्क को तोड़ दिया, इस मुल्क के इंसान का मन तोड़ दिया। पर दोस्तों आपने दिखाया, अन्ना हम आपका सिपाही बनने के लिए तैयार हैं। शायद कुछ नाम गोपेश्वर से भी आ जाएंगे, ये भी लोग इसमें शामिल हो जाएंगे।
दोस्तों जय हिंद। चिंतित हो गए थे रामचरित मानस में एक पंक्ति की, रावण रथी विरथि रघुवीरा देख भीषण होए अधीरा। जब देखता था भीषण ने देखा कि रावण के साथ यानी सत्ता के साथ बहुत ही ताकत है और राम के साथ आप हम जैसा साधारण मानव साधारण गरीब आदमी, तब कहा था राम ने कि जहां धर्म है जहां धैर्य है जहां जनता है जहां सच्चाई है जीत उसकी। आज रामचरित मानस की वो पंक्ति भी सिद्ध हो गई। आप ऐसे राम के साथ हैं जो ये रथ है जहां रथ नहीं है आप उनके रथ हैं। मैं 26 साल का युवक था, मेरे सामने एक प्रश्न हमेशा खड़ा हो गया 26 साल की उम्र में, अरे क्या चक्कर है दुनिया का, ये सब लोग दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे दौड़ रहे, जन्म में आता कुछ लेकर आता नहीं, जाता कुछ लेकर जाता नहीं, लेकिन उम्र भर मेरा 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 हाथ में कुछ नहीं, कहीं लोग को मेरा मेरा कहकर भी रुकते नहीं, मेरा मेरा कहकर भी रुकते नहीं, मेरा वो मेरा लेकिन तेरा वो भी मेरा, ऐसे हाथ में कुछ नहीं। मैं सोचता बैठा यंग था, मैं युवक था, मैं सोचते बैठे क्या चक्कर है दुनिया का, आता कुछ नहीं जाता कुछ नहीं, उम्र भर दौड़ रहा है मेरा मेरा कह रहा और मेरा कुछ नहीं। एक दिन मैं सोचा आत्महत्या करना, उस दिन सोचा, एक स्वामी विवेकानंद जी की किताब हाथ में आई, स्वामी विवेकानंद जीवन समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया, हर इंसान के लिए जीवन मिला है सेवा के लिए मिला, सेवा। 26 साल की उम्र में मैं तय किया कि मेरा जीवन समाज और देश की सेवा के लिए अर्पण, 26 साल की उम्र में सेवा के लिए अर्पण। खतरा लगने लगे शादी करने तो चूल्हा जलाने में समय भी जाएगा, फिर समाज की सेवा कैसे करूंगा, इसलिए मैं निर्णय ले लिया शादी नहीं करना। मेरे जीवन का हर क्षण समाज और देश की सेवा में लगे, इसलिए मैं सोचा शादी नहीं करना। और आज 75 साल की उम्र हो गई, वही विचार मेरे कायम है। गांव में मेरा घर है, खेती बाड़ी है, 40 साल हो गए घर में जाकर, फिर से घर में रहेंगे। 3 भाई है, भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं, करोड़ रुपए की अजमत नहीं, करोड़ रुपए की कहीं बैंक बैलेंस नहीं, राष्ट्रपति ने मुझे पद्मश्री पद्म भूषण, अमेरिका दक्षिण कोरिया कहां कहां अवार्ड मिल गए, 55 लाख रुपए के मतलब कैश अवार्ड मिल गए, उसका भी ट्रस्ट कर दिया, भरा जाता है 40-45 गरीब बच्चों की शादी कर देता हूं, मंदिर में रहता हूं, सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक प्लेट है, कुछ रखा नहीं। मैं क्यों कहने जा रहा हूं, किसी को संदेह ना रहे ये इतने घूम रहे इतने 2-4-5 गाड़ियां, ये क्या इसका कोई ना कोई लाभ होगा, इनका इसलिए घूम रहे होंगे, कुछ लाभ नहीं, इतना भी नहीं है, सिर्फ सेवा समाज और देश की सेवा। मंदिर में रहता हूं, सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक प्लेट है, कुछ नहीं रखा, लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री का विकेट लिया अकेला, 6 कैबिनेट, चार 400 ऑफिसर घर भेज दिए, करप्टर
अब ये बोलना बहुत आसान है, एक मंत्री को घर में बैठ कर देखो क्या होता है। अरे इतना तकलीफ दिया मुझे, इतना तकलीफ दिया, कई बार मुझे जेल में डाल दिया। मैं बोला डालो, 11 जगह पर कोर्ट में मेरे पर मंत्रियों ने दावे लगाए, 11 जगह पर। मैं बोला और एक लगाए, एक डजन पूरा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्यों कहने जा रहा हूं, एक फकीर आदमी है, मंदिर में रहता हूं, लेकिन ये हो सकता है। लेकिन कब हो सकता है? आप भी कर सकते हैं, अन्ना हजारों से भी बड़ा काम आप भी कर सकते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है कि यहाँ सब युवक मैं देख रहा हूँ। युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है, ये युवा शक्ति मेरा आशा स्थान है। मुझे पूरा विश्वास है इस देश का युवक अगर जाग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं, इस समाज का, इस देश का। युवक ही देश बनाएगा। अरे वियतनाम बनाया युवकों ने बनाया, इंडोनेशिया की क्रांति किया युवकों ने किए, जी जापान की राख बनी थी ऐसे राख से ढेर से जापान खड़ा हुआ, युवकों का योगदान है। मैं एक युवक था, कुछ कर पाया, तो मुझे युवा शक्ति का आशा स्थान लगता है। तो इस आदत से मैं कॉलेज कॉलेज में जाता हूँ, युवकों को जगाता खड़ा करता हूँ। तो यह मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ ज्यादा तो युवक है। अभी यहाँ 60 साल 70 साल के हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, वो बोलेंगे तो तारीफ सब यूरोप की हो रहे हैं, हम तो ऐसे बैठे नहीं। युवक वह है, शरीर से युवा वो युवा नहीं, मन से युवा है वो युवा है, वो मन से युवा। कभी कभी युवा 35 साल की उम्र है, 35 साल की, ये 35 साल का बुरा है जाने का तुमने। मेरा कहना क्या मतलब है कि मंदिर में रहता हूं, सोने का बिस्तर खाने का प्लेट है, लेकिन ये हो सकता है, कब हो सकता है? आप भी अन्ना हजारे से बड़ा काम कर सकते हैं। कब? चारित्र, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में दाग नहीं है कोई। अगर दाग लग गया ना, अगर दाग लग गया तो एयर कंडीशन कमरे में भी नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है। दाग नहीं लगना जीवन में, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, निष्कलंक जीवन, जीवन में थोड़ा सा त्याग, अन्ना हजार इतना नहीं, थोड़ा सा, लेकिन त्याग ये करना ही पड़ता है। ये हमारी भूमि है ना, भारत की, हिंदुस्तान की भूमि, हमेशा त्याग सिखा रही है। देखो ना, आजादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी की ना, त्याग। और भगवत गीता हमें कह रही है त्याग शांति निरंतरम, जितना त्याग उतनी शांति मिलती है, जितना भोग उतना रोग जुड़ता है। तिरंग जीवन, थोड़ा सा त्याग, दाने से भरा भुट्टा नजर आता ना खेती में, ज्वार बाजरा मक्का, दाना से भरा हुआ भुट्टा नजर आता है, कब आता है? एक दाना को पहले त्याग करना पड़ता है। एक दाना अपने आप को जमीन में मिटा लेता है तब भुट्टा नजर आता है, पहले एक दाना जमीन में लेते हैं। और जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने नष्ट हो जाते हैं, जो दाने जमीन में नहीं जाते वही दाने चक्की में जाते हैं, पीसते हैं और आटा बन जाता है। जमीन में गए, चक्की में गए, आटा बन गए। तो जमीन में जाना या चक्की में जाना, सोचना। मैं सोचा एक दाना बनना, जमीन में जाना, आज भुट्टा नजर आ रहा। मेरा कहने का मतलब है कि हमें इस देश को बचाने के लिए पहले तो मैं कहीं गांव खड़े किए, कहीं गांव खड़े किए। एक मिसाल देता हूँ, जिस गांव में 40 शराब की भट्टी थी उस गांव में 16 साल हो गए बीड़ी सिगरेट खरने बिक्री के लिए, नहीं गांव में 16 साल हो गए बीड़ी में सिगरेट नहीं खरने।